दोस्तों कुछ लोग मानते हैं कि हिंदुस्तान की जमीन पर सबसे पहली बार इस्लाम का झंडा जिस इंसान ने गाड़ा था वो मोहम्मद बिन कासिम थे। लेकिन दोस्तों मोहम्मद बिन कासिम से पहले भी मुसलमान हिंदुस्तान की जमीन को फतह कर चुके थे। दोस्तों सबसे पहली बार मुसलमानों ने 644 ईस्वी को हिंदुस्तान की जमीन को फतह किया। दोस्तों मैं बात कर रहा हूँ रासिल की जंग की, जो राय सल्तनत और खिलाफत राशिदा के बीच सिंध नदी के किनारे लड़ी गई थी। दोस्तों इस जंग में दोनों फौजों की तादाद कितनी थी इसका कुछ पता नहीं है। दोस्तों इस जंग में मुसलमानों की कमान सुहैल इब्न अदी, उस्मान इब्न अबी अलास और हकाम इब्न अमर के हाथों में थी, और राय सल्तनत की फौज की कमान राजा रासिल, राजा सहासी और राजा शिराज के हाथों में थी। इस जंग में खिलाफत राशिदा को फतह नसीब हुई और राय सल्तनत के पश्चिमी इलाकों पर खिलाफत राशिदा का कब्जा हो गया। आखिरकार राय सल्तनत उस खिलाफत राशिदा से जंग करने चली थी जिसका मुकाबला कोई भी सल्तनत नहीं कर पाई थी। इस जंग का नतीजा सिर्फ एक ही निकलना था, राय सल्तनत की हार।